हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही चैनल सीनियर इंजीनियर चैनल में। तो गाइस आज हम एक और शानदार टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो आज हम वर्क पे दिखाने वाले हैं कि लिफ्ट अगर लगती है तो लिफ्ट में हमारे टेक्नीशियन भाई किस तरीके से वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, और हमें कैसे पता लगना चाहिए कि कौन सी लाइट कहाँ पर आनी है और क्या क्या कनेक्शन देने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जैसे हमारे लिफ्ट का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो फोर्थ फ्लोर। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस वीडियो में कि लिफ्ट में किस तरीके की लाइटें यूज होती हैं, कैसे सॉकेट यूज होते हैं, और कहाँ कहाँ हमें कनेक्शन देना पड़ता है, कहाँ अर्थिंग देना पड़ता है जो ग्राउंड फ्लोर से टॉप तक जाना होता है। तो आज हम उसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखिए इसका बेस है, जहाँ से बेसमेंट फर्स्ट स्टार्टिंग यहाँ से ही स्टार्ट करना है आपको। आप देख सकते हो इस तरीके की लाइट है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। हर एक पैनल पे आपको एक लाइट और एक सॉकेट देना होता है, जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ से सीधा कनेक्शन करते हुए यहाँ पे एक लाइट, एक सॉकेट पावर पॉइंट। यहाँ से ऊपर जाओगे आप तो आप देख सकते हो कि एक पावर पॉइंट इस वाले फ्लोर पे भी है ये, और मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इसका सीधा सर्किट ले जाते हुए ये आप देख सकते हो एक पावर पॉइंट यहाँ है और एक ऊपर के टॉप पे है और एक सबसे ऊपर है। तो यहाँ इसको कनेक्शन देना होता है, और कनेक्शन आपको पता है किस तरीके से देते हैं। इसका टू वे बनता है, टू वे तो आप जानते होंगे, टू वे नहीं जानते मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि टू वे की मैं एक और वीडियो अलग से डाल दूँगा इसमें। लेकिन आज हमारा सिर्फ आपको बताने का यही मकसद है कि लिफ्ट के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो ये आप देख सकते हो दो अर्थ लेने बहुत ज़रूरी होते हैं और वे स्विच कनेक्शन इसमें लिया जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऊपर ज़्यादा दिख नहीं रहा है, तो ऊपर जाके मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका कनेक्शन यहाँ से रेडी है। इन लाइटों का दो कनेक्शन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका टू वे स्विच है और एक ऊपर से है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से कनेक्शन यहाँ पे भी है ये वाला। नमस्कार जी। तो ये थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर पे आप देख सकते हो थर्ड फ्लोर का ये है लाइट और पावर सॉकेट। तो आइए फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पे चल के आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से आपको तो हमारा फोर्थ फ्लोर भी कंप्लीट है। आप देख सकते हो कि फोर्थ फ्लोर से यहाँ से लाइन लेके लाइट पावर प्लग एक जस्ट इसके ऊपर, क्योंकि ये लगाने का मकसद होता है कि जब लिफ्टें चलती है तो यहाँ जाके स्टैंड करेंगी तो आगे अंधेरा होता है, तो कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट होने के कारण इसमें हम या हमारे इंजीनियर्स वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए इन लाइटों को लगाया जाता है। आइए आपको कंप्लीट रूटीन पे ले। तो ये इसका शेल्टर पैनल है जहाँ पर सारे कनेक्शन आगे तैयार होंगे। यहाँ हमारे लिफ्ट का जो पावर मोटर होगी, थ्री फेस मोटर होगी, वो यहाँ सेटअप लगाया जाएगा इस सेंटर पे। आप सेंटर का आप देख सकते हो इसमें दो कनेक्शन एलईडी के, ये टीपीएल, यहाँ तीनों आरवाईबी को देना पड़ता है ताकि तीनों कनेक्शन से वो जो लिफ्ट के जो मोटर है, जो डिस्क लिफ्ट के फंक्शन है, जो पैनल है, यहाँ से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे भी आपको आरवाईबी पहुँचानी पड़ती है। आप देख सकते हो 63 का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एक 16 का यूज़ किया हुआ है, एमसीबी 16 की एमसीबी सिर्फ लाइटों के लिए। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे, यहाँ इसका एक पावर पॉइंट दे दिया है ताकि यहाँ पे कोई भी चीज़ वो चला सके। तो यहाँ से करके अब आपको आरवाईबी का शेड्यूल दिखा देते हैं। ये इस तरीके से आरवाईबी वहाँ तक तीनों कनेक्शन नीचे जा चुके हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना होता है, जो लिफ्ट का स्पेशली काम होता है। गाइस ध्यान रहे, लिफ्ट का अगर वर्क कर रहे हो तो वायर हमेशा हैवी यूज करना है, सामान स्टैंडर्ड का यूज करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो अब थोड़ी देर में हम आपको एक कनेक्शन करके इनको जला के
टू वे का बना के देंगे, एक ही स्विच से सारे जलाएंगे और बना के दिखाएंगे आपको। और मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम पे मैं ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाता रहूँ। जय हिंद। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सारे कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लाइटिंग सारी लगा दी है, आपको ऊपर का भी पैनल दिखा दिया है। हम फिर से ग्राउंड फ्लोर में आ गए हैं और उसके बाद फिर हम बेसमेंट में आ गए हैं। तो बेसमेंट का आपने देखा ही है। अब हम अपना कनेक्शन रेडी करते हुए लाइटेड स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं जो टू वे से वर्क करेंगे। जैसे कि यहाँ टू वे का एक सारे फंक्शन देंगे, यहाँ पे टू वे का एक स्विच लगा दिया है कि इससे सारी लाइटें कंट्रोल होगी, जितने भी 6-7 लाइटें हैं सारी कंट्रोल होगी। और एक इसके स्टेशन पे भी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी यहाँ लाइट दे दीजिए, ताकि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रहे। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट कीजिए लाइट। ये आप देख सकते हो कि सारी लाइटें एक साथ जल चुकी हैं। दूर से एक बार आपको ये व्यू दिखाता हूँ। एक बार ऑफ करो लाइट। ये ऑफ, ऑन कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये सारी लाइटें यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। आप देख सकते हो ऊपर तक लाइटें हैं इसमें, तो ये अच्छे से वर्क करने लगी है लाइटें आपकी। तो गाइस आपने देखा, और ऊपर जाके भी यहाँ से इसका टू वे कंट्रोल होता है कि यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं आप और ऊपर जाके भी ऑन कर सकते हैं। तो इसमें टू वे देना पड़ता है, बहुत सेफली और अच्छे तरीके से इसमें वर्क होता है। हमारे मैकेनिक भाइयों ने बहुत अच्छा वर्क किया है इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे ये दो अर्थिंग होती है, ये दो अर्थ, यहाँ पे हमें अर्थ की वायरें भी छोड़नी पड़ती है कंट्रोल के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कंट्रोल पैनल के लिए क्या करना चाहिए। मेन 6 mm की वायर आपको लेनी चाहिए, और अर्थिंग के लिए 2.5 mm की वायर आपको लेनी चाहिए, और हमारे न्यूट्रल और हाफ में 1.5 mm आप यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो आपने कई बार वॉल से लेते हुए कंड्यूट देखा होगा, तो हमने अब बिल्कुल ही आसान तरीका कर दिया है। यहाँ से स्ट्रक्चर से लेते हुए सर्किट सारी ऊपर लेके गए हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, अच्छे से पता ना चल रही हो, या मैं दिखा नहीं पाया हूँ अच्छे से, तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। ये ऊपर से बंद हो चुकी है लाइट, अब हम यहाँ से ये ऊपर से ऑन ऑफ, और अब यहाँ से हम बंद कर देते हैं इसको। देखिए अभी ऊपर से चली थी, यहाँ से ऑफ कर देते हैं ये एक बार। ये ऊपर से बंद कर दिए, अब यहाँ से हम एक बार ऊपर से ऑन करेंगे ये। आप अब नीचे से एक बार इनको ऑन करके दिखा दीजिए टू ए कनेक्शन। अगर टू ए नहीं आता है तो मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हो आप, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जैन, और गाइस प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई आने वाली वीडियो हम आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद। ये हमारी एंट्री है, एंट्री के बिल्कुल सामने सामने दीवार के सामने हमने बोर्ड और उसी के साथ में लाइट। एक बार बराबर में उंगली लगा दे, एक बार यहाँ इसके साथ में, यहाँ हाँ यहाँ आ जाएगी बल्ब, यहाँ पे बल्ब हो गया, यहाँ बोर्ड हो गया। एसी उठाएंगे, ये यहाँ पे यहाँ दें या ऊपर वाले पोल पे दें, ये बार डिसाइड करके मुझे भेजना है। तो ऊपर वाले पोल पे, इस वाले बॉक्स में या इस वाले में, ये देख लेना है कि एसी दे देंगे नीचे इस वाले पे, और एसी आ जाएगा नीचे उस वाले पे। अब ये चीज़ बताना कि छत से वाले पोल पे देना है या लेंटर वाले पोल पे देना है कनेक्शन, बस ये बता के मुझे क्लियर कर दो अभी, बाकी काम फारिग है हमारा।